नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। अभी अभी एक घंटे पहले लगभग एसएससी सीजीएल का जो टीयर वन हुआ था 2019 का, उसका रिजल्ट आ गया है। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि रिजल्ट जो है वो आ गया है और टीयर वन में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं उनके कट ऑफ मार्क्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद से आपको टीयर टू के लिए अपीयर होना पड़ेगा, उसमें आपको पता है पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री और फिर लास्ट में जो टीयर थ्री होता है जिसमें आपको स्किल टेस्ट वगैरह देने होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कट ऑफ लिस्ट दिख रही होगी। एससी के लिए जो मार्क्स है, जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स है, वो है 130.7, यानी 130.76 मार्क्स जो है वो एससी के लिए है। कुल कितने कैंडिडेट्स हैं, टोटल कैंडिडेट्स जो होंगे एससी कैटेगरी के वो है 3,647। कुल मिलाकर टीयर वन में 19,391 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कि क्वालिफाई किया गया है यहाँ पे। किसके लिए भाई, तो ये जो पहली वाली पोस्ट है लिस्ट टू वाली, ठीक है। इसमें देखिएगा एसटी के लिए भी 119 है, ओबीसी के लिए 154 है, ईडब्ल्यूएस जो है उसके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि सवर्ण आरक्षण वाले हैं 152 नंबर है, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है जो जनरल कैंडिडेट हैं सामान्य वाले जो हैं उनका है 165.77, ये कट ऑफ मार्क्स है। OH का 130 है, HH का 86, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। PWD का जो है वो 40 है, अदर्स PWD का, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि इन एडिशन टू UR कैंडिडेट्स, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स सोन अबव 222 SC एंड 75 ST, 2704 OBC और 1488 EWS कैंडिडेट्स, और आगे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एट यूआर कट ऑफ हैज बीन सोन अंडर देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, यानी जो एससी के कैटेगरी के जो 222 लोग हैं वो यूआर की लिस्ट में जो आ गए हैं, यूआर कट ऑफ है, उनको भी उनके रेस्पेक्टिव लिस्ट में ही दिखाया गया है, कैटेगरी लिस्ट में ही दिखाया गया है। इसके बाद आते हैं, ओनली दोज कैंडिडेट्स हैव बीन कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर लिस्ट टू हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ JSO, जो JSO के लिए या SI के लिए अप्लाई किए थे उनके लिए लिस्ट टू का ये कट ऑफ जारी किया गया था। उसके बाद जो लिस्ट तीन जारी किया गया है ये किसके लिए कैंडिडेट के लिए है, तो ये उनके लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो लिस्ट टू मैंने बताया ना वो आपको क्या है, JSO और SI के लिए है स्पेशली। उसके बाद आती है लिस्ट थ्री जिसमें कि आपको कट ऑफ दिख सकता है, SC के लिए 115 है, ST के लिए 104 है, OBC के लिए 135, EWS के लिए भी 135 और अनरिजर्व कैटेगरी का 147 है। ऐसे ही टोटल यहाँ पे आपको सामने कट ऑफ सबकी लिस्ट दिख सकती है, उसके अलावा कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए ये भी आप देख सकते हैं। लिस्ट थ्री में कुल 125,279 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है जो कि टीयर सेकेंड देंगे अभी, उसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट जो होगा वो टीयर थ्री का होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूँ, वही बात लिखी हुई है जो ऊपर लिखा हुआ था कि यूआर कैंडिडेट्स जो है या जो अलग कैंडिडेट्स हैं एससी के, एसटी के या ओबीसी के, जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क यूआर कैटेगरी के आसपास का लाया है, यूआर कैटेगरी में भी क्वालिफाइड है, उनको रेस्पेक्टिव कैटेगरी में जगह दी गई है। यहाँ पे एक और रोल नंबर के बारे में लिखा गया है कि रिजल्ट ऑफ वन कैंडिडेट, यहाँ रोल नंबर लिखा हुआ है 8006012118, इनका रिजल्ट रोक दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये कुल मिलाकर आपको लिस्ट टू और लिस्ट थ्री जो कट ऑफ क्या थी इस बार की एसएससी सीजीएल 2019 प्री का, वो मैंने बता दिया है आपको। आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। टीयर टू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो नहीं भी सेलेक्ट हुए हैं तो सिर्फ एक एग्जाम से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है, आगे के लिए लगे रहिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।